कोतवाली पुलिस ने शीतलपुरी कॉलोनी सरस्वती गार्डन के पास दबिश देकर एक निगरानी शुदा बदमाश और उसकी महिला साथी को नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों से नशीले इंजेक्शन और सीरिंज जब्त करते हुए दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें विशेष न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र की शीतलपुरी कॉलोनी के सरस्वती गार्डन के पास कोतवाली पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर चरीताल निवासी शैलेंद्र उर्फ शैलू ठाकुर और उसकी महिला साथी आदर्श कॉलोनी लाडगंज निवासी अमिता मिश्रा को नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में गिरफ्तार किया। दोनों से दो दो नशीले इंजेक्शन और सीरेंज बरामद करते हुए दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस दबिश कार्रवाई में दोनों को मौके पर रंगे हाथों इंजेक्शन का विक्रय करते हुए पकड़ा गया है। दोनों के पास से नशे के दो दो इंजेक्शन भी मिले हैं, जिन्हें ये 500 रुपये में बेचना इनके द्वारा बताया गया है। इंजेक्शन में एक तो आपका फेनिरामाइन और बुप्रेनरफाइन, ये इंजेक्शन इसमें बरामद हुए हैं। आपराधिक प्रकरण धारा 328-34 IPC और औषधि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी शैलेंद्र उर्फ शैलू थाना क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश है और उसके विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।